हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से एक मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और आप इसे एक बार बना के महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि आप झटपट बहुत सारी बना लेंगे और महीने भर ये ख़राब नहीं होगी। आप एयरटाइट कंटेनर में इसे रखें और एकदम आराम से खाएं। मेहमान आए तो भी दें, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। बच्चे बड़ों सबको ये बहुत पसंद आएगी। मार्केट की कोई भी बिस्किट स्नैक्स से ये बहुत ज़्यादा हेल्थी है, बहुत ही कम सामान से बन जाती है और आप इसे एक बार बनाकर खाएंगे ना तो दोबारा बनाएंगे ज़रूर। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और हमारे घर में जितनी जो हमारी किचन में नॉर्मल सामान होती है उसी से बन जाती है, बहुत ही कम सामान से ये बन जाती है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है। यहाँ मैं लूँगी एक बाउल गेहूँ का आटा। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल गेहूं का आटा ले लिया है एक कटोरी भर के, और हम इसमें जितना गेहूं का आटा डालेंगे ना उसका आधा नाप के हम सूजी डालेंगे। ये बराबर मात्रा आप याद रखें कि जितना आटा लें उसके आधा भाग का सूजी लें। थोड़ा हम हाफ टी स्पून के बराबर नमक लेंगे। तो यहाँ मैंने नमक ले लिया है। नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा हम लेंगे घी, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर घी लिया है। घी से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही खस्ता बनती है। तो यहाँ मैं घी को इस तरीके से धीरे धीरे डाल के हल्के हल्के आटा और सूजी को मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं देखिए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप ये प्रोसेस ज़रूर करें, इससे क्या होगा ना रेसिपी एकदम खस्ता बनेगी। और ये देखिए दोनों हाथ से मैं कर रही हूँ ताकि आटे के कोने कोने तक घी एकदम हमारा पहुँच सके। तो ये हो गया प्रोसेस। अब मैं डालूँगी यहाँ पे चीनी का पाउडर। चीनी, नॉर्मल चीनी को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून डालूँगी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसे भी मिक्स करूँगी। तो एक बार मिक्स कर देंगे, आप ऐसे खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन पाउडर शुगर डालेंगे ना तो उससे बहुत अच्छा बनेगा ये वाला रेसिपी। तो आप कोशिश करें कि मिक्सी में एक बार पाउडर बना ले चीनी का, और पानी डाल के ना हम पूड़ी जैसा एक डो बनाएंगे इसका। पूड़ी का आटा जैसे लगाते हो वैसे मैंने आटा गूंथ लिया है, ये देखिए। तो इसे हम एक बार थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, बहुत गीला ना करें आप। पूड़ी जितना ही लगाएं, पूड़ी के आटे से आप थोड़ा टाइट ही लगाएं लेकिन गीला ना करें। तो इसे हम एक बार हल्के हाथों से ऐसे मसल के सॉफ्ट कर लेंगे आटा को। तो ये देखिए यहाँ पे डो तैयार है। ये ना गीली है और ना कड़क है, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आटा लगा हुआ है। तो इसे आप इस तरीके से कर ले और 2 भागों में इसे बांट ले, मतलब इस तरीके से एक लोई बना ले बड़ी सी और हाथों से इसे ऐसे करें ताकि ऊपर में क्रैक्स ना आए। अब हम क्या करेंगे, आप किचन प्लेटफॉर्म या फिर जिसमें रोटी बेलते हैं वो ले सकते हैं। तो वहाँ पर आप इस तरीके से इसे घुमाएँ, हाथों से रोल करें मतलब। तो दोनों हाथों की सहायता ले सकते हैं आप, एक हाथ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको दोनों तरीके बता रही हूँ। तो इस तरीके से रोल कर ले एकदम अच्छे से, और क्या करें ना एक नाइफ की मदद से इसे बराबर भागों में बांट ले और इसे हाथ से ऐसे कर ले और रोल करके एक पतला सा बड़ा सा रोल रेडी करें आप। तो इस तरीके से आपको जैसे सुविधा हो वैसा आप करें। ये देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। फिर हमें एक छुरी लेना है, मतलब नाइफ लेनी है, और उससे ना इसका बराबर मात्रा में इस तरीके से छोटा छोटा करके कट लगाना है। तो आप एकदम बराबर दूरी पे इस तरीके से काट ले से फटाफट। ये बहुत जल्दी बन जाती है और बनाना बहुत आसान है। बच्चों को ये बहुत पसंद आएगी। आप एकदम इसे 1 महीने से 1.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ। देखिए मैंने छोटा सा लोई बना लिया, पेड़ा बना लिया है। तो और इसे इस तरीके से प्रेस करूँगी मैं अभी। तो अभी मैं लोई को एक प्लेट में रख लेती हूँ, जो छोटे छोटे पेड़े काटे हैं ना उसे प्लेट में रख लेती हूँ, और इस तरीके से गोल बना के हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर ले। ये देखिए ये तरीका थोड़ा लंबा है, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके भी बताऊँगी जिससे ये फटाफट बन जाएगा। तो आप ये फोर्क ले, अगर आप नए हैं तो आटा को थोड़ा सॉफ्ट इस तरीके से जैसे मैंने किया ना ये कर सकते हैं। एक फोर्क ले और फोर्क में इस तरीके से देखिए इसे रखे और इसे हल्के हाथों से फिर आपको मोड़ना है। तो एक सुंदर प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे ऐसे फोल्ड कर रही हूँ और एक डिज़ाइन हमारा रेडी है। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ इसका कि ये डिज़ाइन हमारा फटाफट कैसे बनेगा। तो ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, हाथों से कोई प्रेस प्रेस नहीं करेंगे। एक पेड़ा उठाएँ और इस तरीके से इसे आप थोड़ा सा उंगली से अच्छे से प्रेस करें, चिकना कर लें।
तो आपको वो जो हाथों से गोल करने वैसा झंझट नहीं होगा। तो इसे हल्के से फिर रोल कर दे तो डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये पेड़ा लंबा लंबा कटा है ना, तो ये बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ मैंने सबको इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब मैं आपको एक दूसरा डिज़ाइन दिखाती हूँ जो बहुत ईजी है बनाना। तो ये एक मैंने पेड़ा लिया, रखा और फोक को ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया, तो एक डिज़ाइन और हमारा रेडी हो गया। तो दोनों में से आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद आया आप इजीली बना सकते हैं, बहुत फटाफट बन जाएगी। आप यात्रा में भी इसे ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होती है ना, तो आप इसे चाय वाय के साथ भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, ऐसे मैं सबको कर लूँगी। एक दूसरा डिज़ाइन भी हमारा तैयार हो गया ना। ये डिज़ाइन तो बहुत ईजी है और बहुत जल्दी बनाना है तो आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और वो डिज़ाइन जो मैंने पहले बताया वो देखने में बहुत सुंदर है। तो आप दोनों में से कोई भी डिज़ाइन जो आपको इजी लगे बना लीजिए, या फिर दोनों बना लीजिए, थोड़ा ये डिज़ाइन थोड़ा वो डिज़ाइन, मैंने दोनों बनाया है। तो अब हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, ये सारा बन गया ना, एकदम बिस्किट जैसा लग रहा है। यहाँ भी ये बन गया, ये देखिए इतना सारा मैंने बना लिया है। तो अब हमें क्या करना है ना, इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल गर्म किया है। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तेल को हमें एकदम हाई हीट नहीं करना है, मीडियम। जब तेल गर्म हो तभी आप इस तरीके से डालें। पूरा छनौता बोलते हैं ना आप लोग, क्या बोलते हैं इसे, झंझरी, छनौता, जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। तो फिर इस तरीके से हम डालेंगे ना, तो ये फटाफट डल जाएगी। एक एक करके डालने में टाइम भी लगता है और तेल आपके हाथों में छिटक सकता है। तो मैंने ये देखिए धीरे धीरे शॉर्टकट में डाल दिया। तो इसे आप तुरंत ना चलाएं, 5 मिनट के बाद मैं इसे चला रही हूँ। तो 5 मिनट के बाद आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऐसे करें, अभी ये टूट सकती है। तो देखिए थोड़ा सा हमारा ये पक चुका है, 25% तक पक चुका है। तब आप इसे इस तरीके से हिलाएं तो अभी ये नहीं टूटेंगी। और इसे ना आप छोड़ छोड़ के एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करें, एकदम छोड़ दे, ज़्यादा हिलाए नहीं। बीच बीच में उलट पुलट करें, हर 2-3 मिनट पर आप एक बार उलट पुलट कर दें। बाकी इसे आप छोड़ छोड़ के पकाएं, मतलब ऐसे इसे चलाना नहीं है ज़्यादा। मैं इसे 2-3 मिनट के बाद इसे चला रही हूँ ताकि इसे पलटना हो, तो 2-3 मिनट के बाद बाद पलटिए। एकदम लो फ्लेम पे पकाइए, एकदम धीमी आंच पे। तो यहाँ पे देखिए कलर आ गया गोल्डन ब्राउन, ये हो चुका है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है। मुझे इसे फ्राई करने में 7 से 8 मिनट लगा है। तो आप इसे धीमी आंच पे लो फ्लेम पे ही पकाएं तो अंदर तक खस्ता बनेगी और पक जाएगी। तो मैं उठा उठा के इस तरीके से क्यों रख रही हूँ, ताकि तेल जो एक्स्ट्रा है वो हमारा कढ़ाई में नीचे आ जाए। मैं इसे झाड़ लूँगी थोड़ा सा और इसे निकाल लूँगी। बाकी हमारा कम ही बचा है ना, तो मैं उसे इस तरह से छनौते में लेके अच्छे से देख के झाड़ लूँगी तेल को, ताकि तेल जो एक्स्ट्रा तेल है हमारा, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो कढ़ाई में वापस से आ जाए। तो ये मैंने सारों को ले लिया, निकाल लूँगी। अब मैं दूसरा जो डिज़ाइन बताई थी, देखिए मैं कैसे डालती हूँ। ये देखिए, एक बार इसमें डाल लें और धीरे से तेल में इस तरीके से छोड़े, तो एक एक करके डालने का ज़रूरत नहीं है, एक बार में डल जाती है। और इसे भी हम सेम प्रोसेस में फ्राई कर लेंगे। हमारी दोनों स्नैक्स रेडी है, दोनों डिज़ाइन की। तो आप थोड़ा सा चीनी पाउडर ऊपर से छिड़क दें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।